जनपद में बहने वाली रोहिन, घाघरा और राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बड़गो बंधे पर भी दबाव बना हुआ है। जलस्तर बढ़ने से राजघाट स्थित दोनों तरफ के रामघाट व गुरु गोरखनाथ घाट डूब गए हैं। अंत्येष्टि स्थल भी डूबने के कगार पर है। राप्ती नदी का जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2.56 मीटर ऊपर गया था। इससे बाढ़ ने तबाही मचाई थी। शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी घुस गया था। इस बार भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर सुबह 11 बजे के बाद तथा शाम 6 बजे राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि नजर आ रही है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दो नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, राप्ती और घाघरा दोनों ही चढ़ाव पे हैं, जिसके कारण हमारी रोहिन, आमी, इनमें पानी बैकफ्लो कर रहा है। पानी अभी बढ़ रहा है और बंधों पर थोड़ा सा दबाव है। हमारी टीमें एक्टिव हैं, कहीं से भी अगर कोई सूचना मिल रही है तो थोड़ा सा तत्परता से उसको ठीक कर दिया जा रहा है। राहत सामग्री का वितरण हो रहा है और मुझे आशा है कि अगले 3 से 4 दिनों में स्थिति ठीक हो जाएगी और पानी कम होने लगेगा।